खाने के उत्पादों की बात करें, बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब लोग खासतौर पे ऐसे खाने की तरफ मुड़ना चाहते हैं जिससे उनको हेल्दी फूड हो। तो ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं ये बेहतरीन है। ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वनीकरण भी कर सकते हैं इनकी मदद से। हमारे यहाँ जिस तरह पॉल्यूशन बताया जा रहा है बहुत बढ़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में इन स्कीम के तहत वनीकरण का काम हो सकता है, फॉरेस्टेशन को का काम हो सकता है। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक बड़ी, जितना अभी हो रहा है तालाब बनाने का काम, या हमारी जो पुरानी वाटर स्ट्रक्चर्स है उनको दोबारा से रिवाइव करना, उनको संरक्षित करना, इन सब कामों में इनको लगाया जा सकता है। साथ ही हमारे यहाँ आप हाँ देखते हैं कि धूल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है पर्यावरण में, जो प्रदूषण फैलता है उसका। तो अब बारिश से पहले अगर आप घास उगवा लें, पेड़ लगवा लें, तो जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ेंगी तो आपके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा और आपका पर्यावरण भी संरक्षित होगा, आपको ताजी हवा भी मिलेगी और आपकी जमीन में पानी भी होगा। और जरूरी ये भी है कि हम जो लोग हैं उनको उदाहरण दिखाएं। जैसे विदर्भा है, विदर्भा में हमने शोध यात्रा की, वर्धा के अंदर केवल दो तालाब दिखे 150 किलोमीटर की यात्रा में, पैदल यात्रा में, और उनमें पानी था मई के महीने में। सौराष्ट्र में लाखों तालाब बने, लाखों चेक डैम बने सौराष्ट्र के अंदर, और ये हालत हो गई थी कि डैम जो बड़े डैम थे उनमें पानी कई बार कम पड़ता था क्योंकि छोटे छोटे डैम उसको रोक लेते थे, लेकिन उससे पानी की दिक्कत हल हो गई। तो क्यों नहीं हम चेक डैम, फार्म पॉन्ड, निजी खेत में, किसान का खेत है, निजी खेत है, उसमें पब्लिक वर्क्स क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वो देश, पानी जो बचेगा वो देश के लिए बचेगा ना। वो अगर वो उसकी फसल अच्छी होगी, ज्यादा फसल पैदा करेगा तो मजदूरी भी तो पैदा करेगा, मजदूर के लिए काम भी तो पैदा करेगा, वो मजदूर के तो सारे साल काम चाहिए ना।